ओपन कर लिया प्रोजेक्ट, लॉग इन, राइट क्लिक करता हूँ मैं, रन कर देता हूँ इसको। कंप्यूटर पे स्लो चल रहा है क्या कर रहा है? रन जावा एप्लीकेशन करा और बस रन हो जाएगा। देखना लॉगिन बटन पे मैं क्लिक करूंगा, अभी आया एरर। अब जो है फोकस यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, तो फोकस वाला काम कर लेते हैं कि फोकस कैसे होगा। तो ओपन हो गया लॉगिन फॉर्म, और लॉगिन फॉर्म में हमें फोकस नहीं करना है, हमें लिखना है कोड लिसनर में। लिसनर में ही सारा हम लॉजिक लिखते हैं अपना। तो वैलिडेशन में जाऊंगा मैं, वैलिडेशन ओपन हो गया, और वैलिडेशन में देखो मैसेज इसमें आता है ना, मैसेज के जस्ट बाद, जैसे मैसेज पे हम ओके क्लिक करें तो उसके जस्ट बाद फोकस होना चाहिए। तो फोकस इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में होना चाहिए, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स में, हाँ मतलब अभी इसमें होना चाहिए। डॉट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आर ई जो हो यार रिक्वेस्ट फोकस, हमें इस मेथड को सिर्फ कॉल करना है। ये मेथड कॉल कर देंगे तो फोकस हो जाएगा, अब मैं अपने आप फोकस होगा, देखना आप अभी। फिर पासवर्ड में भी फोकस करनी है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड में कर दिया कि फोकस। अब इसका आप परिणाम देखना क्या होता है। अब देखो अभी इसमें फोकस है, मैं लॉगिन पे क्लिक किया, इंटर ईमेल बोल रहा है और अपने आप फोकस आ गया। मैंने ईमेल यहाँ पे डाला, फिर लॉगिन पे क्लिक किया, इंटर पासवर्ड बोल रहा है और पासवर्ड में फोकस चला गया। अब मैं टाइप कर दूंगा, फोकस हो गया। तो ये ऐसे बन जाएगा। सर एक और चीज करते हैं, क्या करें, जैसे हम इंटर मारे ना तो अगला लाइन पे आता है पासवर्ड पे, और इंटर मारने पे लॉगिन होगा। जैसे ईमेल लिख रहे हैं तो उसके बाद इंटर मारे ना तो अगला लाइन, आप टैब मारोगे ना तब आएगा। ये देखो मारा, टैब मारेंगे तो आएगा अगले में। ये देखो होगा इंटर मारने में, लेकिन एंटर वो टैली वाला जो आप समझ रहे हो ना, ये यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे वैसा। होगा क्या है, नहीं हो जाएगा, सब होगा। लॉगिन वाले को कर दीजिए ना, लॉगिन वाला करो, ये हम पूरा चीज लिखे फिर इंटर मारे लॉगिन हो जाए। रजिस्टर वाला बना लेते हैं, रजिस्टर वाला बना लेते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इधर, यहाँ पे टाइटल नहीं आ रहा है फॉर्म का, मैं फॉर्म का टाइटल सेट कर लेता हूँ। आया लॉगिन फॉर्म में, और कंस्ट्रक्टर का पहला लाइन में हम लिख देंगे सुपर। पेमेंट क्यों किया हो? लॉगिन फॉर्म पहले से था तो उसमें ऑप्शन आता है कुछ करने का, F9 प्रेस करो कभी कोई आ गया, F9 कैंसिल कर देते हैं, अभी हो गया। अब आप देखिए मुझे बनाना है रजिस्टर फॉर्म। रजिस्टर फॉर्म में कैसे बनाऊंगा, बगल में एक बटन लगा देता हूँ, बगल में मैं बना देता हूँ बटन। और फिर रजिस्टर में हम क्या क्या लेंगे, नेम ले लेंगे, ईमेल ले लेंगे, पासवर्ड ले लेंगे, इतना में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, इतने में हम रजिस्टर का फॉर्म बना लेंगे। तो एक बटन बना देता हूँ बगल में, रजिस्टर बटन। यहाँ पे बताते जाएं, करते जाएं। उसको पहले वहाँ पे लिखना कुछ नहीं है, उसको हटाओ। रीसेट में आऊँगा, कॉमा रजिस्टर, ये हुआ। अगर देखे कंप्लीट करना, सेलेक्ट करना, अल्टर करना, उसके बाद लेजर बनाना, इन्वेंटरी बनाना, इन्वेंटरी का बस हो गया। यहाँ पे मैं लिख दूंगा रजिस्टर। तो सभी कोई परचेस अकाउंट पे आ जाओगे, परचेस में रीसेट बटन के बाद रजिस्टर दिखना चाहिए। तो दिस डॉट ऐड यहाँ पे कर दिया मैं रजिस्टर। सेट बॉन्ड सेट करना पड़ेगा हमें, ये रीसेट बटन है, रीसेट बटन के बाद हमें दिखना चाहिए। यहाँ पे मैं 302 कर देता हूँ, बस हो गया, इतना ही करूँगा, बाकी कुछ नहीं करूँगा। अब देखते हैं रजिस्टर फॉर्म बनता है कि नहीं। ये तो इधर आ गया यार, रिसेट रजिस्टर वाला नहीं हुआ,
हो गया रजिस्टर सेट बाउंड नहीं दिखा, ये देखो आ गया ना रजिस्टर 302 यहाँ पे मैंने सेट किया कि लेफ्ट से इधर से 302 के स्पेस में इधर। अब इसमें इवेंट लिखना पड़ेगा, जैसे ही रजिस्टर बटन पे हम क्लिक करें तो क्या खुलना चाहिए, रजिस्टर फॉर्म डॉट एड एक्शन लिसनर, और यहाँ पे हम ऐसे करेंगे इवेंट बना देंगे इस तरह से। हमें कोड यही लिखना है रजिस्टर फॉर्म का, समझ में आ रहा है? मैं बताऊँ लिखना लिसनर में है लेकिन रजिस्टर बटन पे क्लिक करने पे होना चाहिए। तो एक तरीका इवेंट इम्प्लीमेंट करने का ये भी है, तो हम यहीं पे कोड लिख सकते हैं। तो मैं कोड अभी यहीं पे लिखूंगा, ठीक है ना। अब कोड रजिस्टर फॉर्म इवेंट का बात कर रहा हूँ मैं, रजिस्टर बटन पे मैं क्लिक करूँ तो रजिस्टर फॉर्म ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए मेथड कॉल किया और मेथड के अंदर ही एनोनिमस तरीके से मैंने बना दिया फंक्शन। ऐसे भी हम कर सकते हैं, जो मैंने बताया भी था आपको रीसेट वाले के केस में, ठीक है। तो मैं रजिस्टर का फॉर्म बना दूं, रजिस्टर का फॉर्म ऐसे बनाऊंगा मैं, राइट क्लिक करूंगा क्लास और यहाँ पे लिख दूंगा मैं रजिस्टर। हो गया, कंस्ट्रक्टर बना दिया मैं, सबसे ऊपर में देखो फंक्शन की दिख रहा है, जे फ्रेम को एक्सटेंड कर लूं, सब हो गया फंक्शन की, जिसमें F1 F2 F3 करके F12 एक्सटेंड हो गया। जैसा लॉगिन फॉर्म है वैसा ही हमें रजिस्टर फॉर्म बनाना है। अपने हो गया, मैंने नहीं किया था, हो जाएगा। अब देखो आप, ये कोड तो हमें चाहिए रजिस्टर बटन में भी, सॉरी रजिस्टर फॉर्म में ही, तो इसी को कॉपी करके मैं ले लाता हूँ इधर। हो गया, अब मैं डायरेक्टली रजिस्टर फॉर्म को रन करना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मेन मेथड बनाऊंगा और यहाँ पे मैं रजिस्टर लिख दूंगा। हो गया, अब डायरेक्टली राइट क्लिक करके मैं रन कर दूंगा इसको, रजिस्टर फॉर्म डायरेक्टली खुल गया, अब खुल गया ना। यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, मैं नाम ले लाता हूँ यहाँ पे सुपर और यहाँ पे लिख दूंगा रजिस्टर, डबल कोट में होगा ये स्ट्रिंग है ना। आ गया रजिस्टर, स्पेलिंग गलत है, ऐसे होगा ना। अब मैं आता हूँ लॉगिन फॉर्म पे, लॉगिन फॉर्म का हमें ये वेरिएबल तो लॉगिन फॉर्म के लिए भी चाहिए ना। तो मैं ऊपर जो भी बनाया हूँ ये सब कॉपी कर लिया, ठीक, और इसको ले लाता हूँ मैं ऊपर। सर इसमें एक और नेम भी रहेगा ना, नेम मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एल नेम, एल नेम, नेम हो गया। यूजर नेम को मैं ईमेल कर दूंगा और ये पासवर्ड ठीक है। यहाँ पे भी कर देंगे नेम, यूजर नेम को मैं ईमेल कर दूंगा और ये पासवर्ड ठीक है। समझ में आ गया इतना तक, ये वेरिएबल बना। अब इन सब का ऑब्जेक्ट भी तो बनाना होगा, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे। इन सब को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। लॉगिन फॉर्म के जैसा ही तो हमें चाहिए ना, ये लो।
कर दिया। अब इसमें मैं कुछ करेक्शन करूंगा। एल नेम और यहाँ पे एल ईमेल, एल पासवर्ड, यहाँ पे ईमेल कर देंगे हम। यहाँ पे कर देंगे नेम, पासवर्ड है ही है, ये लॉगिन बटन रजिस्टर बटन का ऑब्जेक्ट बना है, इसको छोड़ दीजिए। अब हमें सेट बॉन्ड्स भी तो सेट करना पड़ेगा, तो सेट बॉन्ड कैसे मैं सेट करूंगा, यहाँ पे सेट है वही उठा लूंगा। सेट बॉन्ड रुक जाओ भाई, सेट बाउंड यहाँ पे पहले से है ना, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। सारा सेट बाउंड को कॉपी किया और आया रजिस्टर में, रजिस्टर में जैसे आया पेस्ट कर दिया। यूजर नेम को मैं बना दूंगा एल नेम, यूजर नेम को बना दूंगा मैं नेम, ये जो पासवर्ड वाला कट करके ले जाता हूँ यार ऊपर, ये नीचे नहीं होना चाहिए, मजा नहीं आएगा। ये लॉगिन रजिस्टर बटन का सेट बाउंड है, ये रहे। अंडरग्रुप क्या आएगा? ये जो पासवर्ड है इसको मैं बना दूंगा ईमेल। अंडरग्रुप क्या आएगा? कैपिटल में आएगा, फिर कैपिटल है, ईमेल हो गया। ये दोनों कैश क्या है बताओ पहले, अंडरग्रुप क्या आएगा कैश का? रुक जाते हैं। एल पासवर्ड हो गया। कैश हमारा क्या है? ईमेल नेम होगा, ईमेल होगा और पासवर्ड, ये तीन होगा। अब रन करता हूँ मैं लॉगिन बटन। रुक जाओ भाई, मैं बताऊंगा लॉगिन का मीनिंग क्या है, पहले कहे दिमाग लगा रहे हो, मैं बताऊंगा सारा बताऊंगा। अब आप देखिए, मैं रन करके एक बार दिखाता हूँ कैसा बना है। तो सबसे पहले ऐड भी तो करना पड़ेगा, मैं लॉगिन फॉर्म में आऊंगा और यहाँ से ऐड वाले को उठा लूंगा, ऐड मतलब ये वाला। अभी मत कहना कि खाली आप कॉपी पेस्ट तो कर रहे हैं, कुछ नया क्या कर रहे हैं। ऐसे ही सॉफ्टवेयर बनता है। ईमेल हो गया और पासवर्ड भी डाल दे, ऐड कर देते ऐड हो गया। नेम का लेबल नेम, ईमेल का लेबल ऐड हुआ, ईमेल ऐड हुआ। आपस में मत बात करो, पासवर्ड का लेबल ऐड हुआ, पासवर्ड ऐड हुआ, लॉगिन बटन रजिस्टर रीसेट बटन रजिस्टर बटन, यही है। अभी तक आपका 25 क्यों नहीं हुआ? रजिस्टर बटन को पहले करो, ऐसे लॉगिन बटन होगा लास्ट में, ठीक है। ये ऐड का टोटल काम हो गया। अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, देखना प्रॉब्लम क्या आता है इसमें। क्या बोल रहा है इनवोक नल, कुछ तो प्रॉब्लम है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। किस चीज का दे रहे हैं प्रॉब्लम? रजिस्टर बटन का ऑब्जेक्ट नहीं बना है क्या कहीं? नहीं बना है, तो बना देते हैं ऑब्जेक्ट। रजिस्टर बन गया, हो गया तो होगा। सेट CLIC के क्लिक टू लॉगिन,
हो गया, अब रन कर देता हूँ प्रोग्राम। अब प्रॉब्लम ये है ना, ईमेल के बाद ये पासवर्ड और ईमेल एक ही में ओवरलैप कर रहा है। मैं बता रहा हूँ रीजन क्या है इसका। हाँ मैं बता रहा हूँ रीजन इसका, इंटर नेम के जगह पे मैं नेम लिखता हूँ और यहाँ पे ईमेल, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, ये है लेफ्ट साइड से, ये है टॉप टाइप टॉप से, ये है इसका विड्थ, ये है हाइट, क्लियर। मैंने 10 में 38 ऐड किया तो प्रॉपर ईमेल का आया, और 10 में ही 40 मैंने, सॉरी 10 में मैंने 30 ऐड किया तो 40 बना, और उतना दूरी ले लिया ईमेल और नेम वाला, ठीक है। तो मैं ठीक उतना ही, 10 में कितना ऐड किया तो 38 आ गया, 20 30 28 ऐड किया ना, तो मैं 38 में क्या भी क्या करूंगा, 28 ऐड कर दूंगा, और मतलब लगभग 58, और 40 में 30 और ऐड करूंगा तो कितना होगा, 70 ऐड कर दिया मैं। अब सेट बाउंड देखना प्रॉपर में आ गया होगा, आ गया प्रॉपर। पासवर्ड और ये पासवर्ड का फील्ड दोनों इसी के ऊपर आ गया था ना, लेवल को थोड़ा और नीचे मैं ले लाता हूँ, लगभग 60 कर दूं, लेवल थोड़ा और नीचे लाता हूँ ताकि प्रॉपर आए। आया नहीं यार, पैंसठ कर दूं, पैंसठ कर देता हूँ, यही समस्या है थोड़ा सा जो है सेट बाउंड में। हाँ ठीक है, अब प्रॉपर आ गया। बटन्स को भी लाना पड़ेगा, बटन्स वगैरह नहीं आया जी, बटन आना ना चाहिए था, लॉगिन रीसेट रजिस्टर। क्या मजाक है, यहाँ पे कौन बनाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो ऊपर नहीं, मतलब ये गलत है ना यार, ऐसा थोड़े ना बनता है। मैं कॉपी पेस्ट में थोड़ा किया होगा, प्रॉब्लम नहीं, देखो बन गया। अब ये लॉगिन वाला बटन है ना, ये पहले नहीं होना चाहिए, पहले रजिस्टर बटन होना चाहिए था, तो इसको मैं प्रॉपर ठीक करता हूँ। बटन तो लॉगिन को ही बाद में ऐड किया, ऊपर देखता हूँ। मैं आता हूँ लास्ट में, ऊपर आता हूँ मैं, लॉगिन बटन में ये लिखा हुआ है, ठीक है, रजिस्टर बटन में रजिस्टर लिखा है, रीसेट में रीसेट लिखा है। रन कर देता हूँ मैं इसको, देखते हैं अब क्या होता है। एक क्लिक लॉगिन, लॉगिन वाला ये बटन है, कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट मार देता हूँ। अब ये रजिस्टर ये सही है, हमने सेट बॉन्ड में प्रॉब्लम किया है। लॉगिन का सेट बॉन्ड दे देते हैं रजिस्टर को, रजिस्टर का सेट बॉन्ड हमने दे देते हैं इसको, और इसका हाइट 150 कर देंगे। अब करता हूं मैं रन, ये रजिस्टर है, इसका मैं कर दूं 150 ऐसे, लॉगिन वाला करना चाहिए था हाइट, विड्थ मैंने रजिस्टर का बढ़ा दिया था। अब ठीक आ रहा है प्रॉपर। मैं ये चाहता हूं कि रजिस्टर पे क्लिक करूं तो रजिस्टर हो जाए, और रीसेट पे क्लिक करूं तो इसमें जो भी कंटेंट लिखा है वो रीसेट हो जाए, रीसेट पे क्लिक करूं तो रीसेट हो, और लॉगिन पे जैसे ही मैं क्लिक करूं तो ये वाला जो फॉर्म है ना ये गायब हो जाए और लॉगिन का खुले।
रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद लॉगिन का रजिस्टर क्लिक करेगा तो रजिस्टर हो जाएगा, फिर रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करेगा ना जी, तो लॉगिन बटन पे जैसे क्लिक करेगा तो लॉगिन फॉर्म ओपन होगा। तो लॉगिन का मैं फंक्शनलिटी बना दूं, देखो आप लोग, मैं क्या करता हूं यहीं पे ऐसे करूंगा रजिस्टर डॉट एड एक्शन लिस्नर, और यहां पे ऐसे कर दूंगा इवेंट बना दूंगा इस तरह से, हो गया। ये वाला भी तो होता है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, रजिस्टर वाला फॉर्म को बंद करना है, तो दिस माने रजिस्टर फॉर्म, और डिस्पोज कर दूंगा मैं इसको, डिस्पोज मेथड क्या करता है, डिस्पोज कर देगा पूरे फॉर्म को। और देखो यहाँ पे स्क्रीन रिसोर्स बाई विंडो इट सब कंपोनेंट दैट डिस्ट्रॉय मेमोरी एनी मेमोरी देयर आज कंज्यूम बी रिटर्न ऑफ ओएस, मतलब फॉर्म को बंद करेगा। ये देखो सीधा लिखा है यहीं पे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जावा कहता है, देखो लिखा है ना यहाँ पे एनी मेमोरी दे कंज्यूम विल बी रिटर्न टू द ओएस, जितना मेमोरी कंज्यूम किया रहेगा रजिस्टर फॉर्म वो रिटर्न कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, भाई ले ले नहीं चाहिए जगह, ठीक है ये ले लो, मेमोरी वापस करेगा और फॉर्म को बंद कर देना देगा, हमें तो यही चाहिए ना। तो जैसे ही बंद होगा क्या होगा, जैसे ही बंद होगा रजिस्टर फॉर्म हम ओपन कर देंगे लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म का ऑब्जेक्ट बना दिए, हो गया ना। अब आता हूं मैं लॉगिन फॉर्म पे, लॉगिन फॉर्म पे बंदा जैसे ही आता है, ध्यान से सुनना, जैसे ही लॉगिन फॉर्म पे बंदा आता है और रजिस्टर बटन पे क्लिक करता है तो लॉगिन फॉर्म बंद करके रजिस्टर फॉर्म खोलना है, बस दिस मतलब लॉगिन फॉर्म डॉट डिस्पोज, डिस्पोज किया और फिर यहां से ऑब्जेक्ट किसका बना दूंगा, रजिस्टर का ऑब्जेक्ट बना दिया, बस हमारा काम हो गया। रजिस्टर में ये मेन मेथड मैंने बनाया था टेस्टिंग के लिए, यहाँ पे मेन मेथड नहीं होगा, गायब कर दूंगा मैं, गायब कर दिया, हो गया ना। अब मैं सिर्फ रन कर सकता हूँ रजिस्टर फॉर्म, सॉरी लॉगिन फॉर्म को मेन मेथड क्योंकि यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, अब देखना आप लोग, लॉगिन फॉर्म है, रजिस्टर पे क्लिक किया, लॉगिन फॉर्म बंद हुआ, रजिस्टर फॉर्म खुल गया ना। अब फिर से लॉगिन पर मैंने क्लिक किया, क्या समस्या आएगी इसको, मैंने लगता है कोड कहीं और लिख दिया, मैंने रजिस्टर बटन पे कर दिया, लॉगिन पे ना लिखना चाहिए था कोड, लॉगिन बटन पे क्लिक करने पे होना चाहिए काम, मैंने गलत बटन में लिख दिया था, कोई आइटम नहीं है, देखो लक्स यहां पे है, ये लिखा है इस तरह गलत लिखा है, एंड प्रेस कीजिए। अब देखो रजिस्टर पे क्लिक किया खुल गया रजिस्टर फॉर्म, अब लॉगिन फॉर्म पे जैसे क्लिक किया तो ये खुल गया, काम कर रहा है प्रॉपर, कर रहा है ना। अब रजिस्टर फॉर्म का जो है रीसेट बटन को भी बना दिया जाए, थोड़ा सा मेहनतें कर लेते हैं, लिख लेते हैं, क्यों रीसेट डॉट एड एक्शन लिस्नर, दिस डॉट नेम डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दूंगा मैं, हो गया ना। और मैं फिर क्या करूंगा, नेम के जगह पे लिख दूंगा ईमेल, और ईमेल के बाद लिख दूंगा मैं पासवर्ड, हमारी काम हो गई। अब तो मुझे पहले लॉगिन वाले को रन करना पड़ेगा, लॉगिन फॉर्म रन किया मैं, रजिस्टर पे आया और यहाँ पे कुछ टाइप किया और रीसेट बटन पे क्लिक किया, रीसेट हो गया, रीसेट हो गया। रीसेट होने के बाद फोकस होना चाहिए नेम पे, होना चाहिए तभी तो लिखेगा ना। तो हम क्या करेंगे, फोकस कर देंगे नेम पे, कैसे, बस दिस डॉट नेम डॉट रिक्वेस्ट फोकस, दो डॉट होना नहीं चाहिए। अब मैं फिर लॉगिन फॉर्म को रन करूंगा,
हो गया, रजिस्टर पे गया, लिखा यहाँ पे ये सब, क्लिक किया, आ गया ना, रिसेट हुआ और कर्सर आ गया मेरा इस पे। समझ में आ गया नहीं आई बताओ, कुछ पूछना है तो बताइए आप लोग, कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है? सर बोले कि कौन कौन से खींच के तब बाकी सब है हमारे पास, बाय खींच लो जो भी जो भी ये है कोड पूरा रजिस्टर। कुछ क्रिएट नहीं किया पहले क्योंकि तब मैं वही सब क्रिएट कर रही हूं, क्रिएट किए ही नहीं है कुछ भी, तो कहां से बनेगा? ये चीज को डेली डेली तो हमने भी नहीं बनाना है। कहीं के सर रुकिए सर रुकिए, उसी चीज को डेली रिपीट करो। आओ सर क्लास वाला दिखाइए, ये है और आगे भी है। अरे यार कहाँ है व्हाट्सएप? नहीं नहीं सर पर्सनली कितने लोग, लास्ट में ये है, मैं बंद कर देता हूँ यार इसको, ये कहे चल रहा है।